लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिले के सभी जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना प्रशासन का परम दायित्व है। चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों कर्मचारियों का कार्य व्यवहार एवं आचरण में पारदर्शिता आवश्यक है। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान को सकुशल स्वतंत्र एवं निर्विवाद रूप से संपन्न कराने हेतु जनपद के सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों को जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन में सेक्टर मजिस्ट्रेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वे अपने आवंटित सेक्टर्स में सम्मिलित मतदेय स्थलों की सूची तथा रूट चार्ट के अनुसार सभी मतदेय स्थलों का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाएं जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेट 26 से 30 मार्च तक सभी मतदेय स्थलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि जहां जो कमियां हो उसे तत्काल ठीक कराया जा सके। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। निर्वाचन कार्य समयबद्ध होता है, अतः किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनपद में मतदान 19 मई को प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर सायं 6 बजे समाप्त होगा। डीएम ने बताया कि कुल 281 सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेटों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता ने बताया कि देश के इस चुनाव में सभी अपनी महती भूमिका निभाएं। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ सुनील गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन डॉक्टर चतुर्भुज गुप्ता सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और सभी सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। 50 मिनट में उसका निस्तारण किया जाना है, तो इसकी जानकारी आपको भी होना आवश्यक है, तो मैं डीआईएम एसी मैडम से अनुरोध करूंगा कि वो इसके बारे में बताएं। एक्चुअली सी विजिल जो इस बार इलेक्शन कमीशन के द्वारा सी विजिल ऐप का यूज किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि जो भी कंप्लेंट्स होती थी रिगार्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन से संबंधित या एक्सपेंडिचर के वॉयलेशन से संबंधित, जो राजनीतिक दल अपना इलेक्शन के टाइम पर जो रैलीज वगैरह निकालते हैं उनके संबंध में कोई शिकायत करना चाहता था तो या तो वो 1950 नंबर पे करते थे या फिर वो अपनी कंप्लेंट्स होती थी ऑनलाइन कंप्लेंट्स कर सकते थे। इस बार इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने एक सी विजिल ऐप का ऐप को मतलब स्टार्ट किया है और इसके थ्रू एप्लीकेशंस जो भी होंगी, कोई भी शिकायत जो करता है वो कोई भी वीडियो है कोई भी फोटो है वो इस ऐप के थ्रू भेज सकते हैं। मतलब पब्लिक भी इसमें डायरेक्ट अपना कोई भी फोटो या कोई वीडियो जो कि 5 मिनट के अंदर लिया गया होगा वो उसको भेज सकते हैं। तो इस बार हम लोगों को सभी को मतलब पूरे प्रशासन को सारे हमारे फ्लाइंग स्क्वाड के जो टीम्स हैं उनको जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं वो विद इन 50 मिनट के अंदर अंदर हमें उसको उस पर निर्णय ले लेना है। या तो वो एप्लीकेशन हमारी सही होगी तो उस पर उसकी जांच की जाएगी और जांच करने के बाद में उसका निस्तारण किया जाएगा। तो इसमें हर एक तरह के ऑफिसर्स हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व हैं और जो ऐप भी हैं वो अलग अलग तरीके से जिनकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनके लिए डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं साइट पर। इसका जो मेन फीचर्स है कि जो मेन फीचर्स इसके इस ऐप के हैं उसमें यही है कि आपको विद इन 5 मिनट्स और 2 मिनट का वीडियो होना चाहिए उसमें या फिर कोई फोटो जो कि मैक्सिमम 4 MB तक की होगी वो आप उसको अपलोड कर सकते हैं और वो तुरंत ही यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर है उसके पास वो एप्लीकेशन आ जाएगी। ये सब GPS बेस्ड सिस्टम रहेगा, ऑनलाइन आपका नेट मोबाइल ऐप है, आप जब भी उस मोबाइल ऐप को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करेंगे तो उस ऐप के
जरिए आपको आपका जीपीएस उसका ऑन होना चाहिए, आप तुरंत उसकी फ़ोटो खींचेंगे और उसको तुरंत अपलोड कर देंगे। तो इसके लिए अलग अलग टाइमलाइंस अलग अलग ऑफिसर्स के लिए डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। इसमें इसके इस ऐप के थ्रू जो भी निस्तारण होगा वो बहुत ही जल्दी होने की जल्दी होना है, और जो निस्तारण 50 मिनट में नहीं होगा वो आगे जो एनजीआरएस हमारा जो कंप्लेंट्स वाला सिस्टम है उस पर वो फॉरवर्ड कर दी जाएंगी वो एप्लीकेशंस। तो इसमें जो हमारे मेन जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक तो सिटीज़न इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, ऑब्जर्वर्स हैं, मॉनिटरिंग के लिए हमारा डीओ हैं और सीओ हैं, और डिसाइडर हमारे आरओज और एआरओज हैं इसमें, कि कोई भी अगर कंप्लेंट करता है तो सबसे पहले वो कंप्लेंट इन्वेस्टिगेटर टीम के पास जाएगी, यानी कि हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम के पास जाएगी। उसके बाद आरओ और एआरओ उसमें जो भी निर्णय करना होगा कि ये कंप्लेंट सही है, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेटर टीम ने अपनी आख्या दी है उसको चेक करेंगे, अगर वो सही होती है तो उसको आगे उसको डिसाइड करके कि हाँ ये सही पाई गई है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। टीम ने जो इन्वेस्टिगेट किया है उसके अनुसार वो उस केस उस एप्लीकेशन को ड्रॉप कंप्लेन किया कि यहाँ पर ये हो रहा है, लेकिन जब तक हमारी वहाँ पे टीम पहुँची और वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। कि पहले कुछ ब्रीफ जो जनरल निर्देश है, आप में से अधिकतर लोग मुझे पता है कि पहले भी काम कर चुके हैं, लेकिन जब एक अरसा निकल जाता है, कुछ समय निकल जाता है, तो कुछ चीज़ों को वापस रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए रिफ्रेश करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, और आप सभी को मैं बता दूँ कि चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश होता है कि आपके जिले के जो सबसे काबिल अधिकारी हैं उनको सेक्टर ऑफिसर बनाया जाए, उनको सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाया जाए, क्योंकि जिस दिन से चुनाव की घोषणा होती है वहाँ से लेकर जिस दिन मतदान का अंत होता है उस बीच की पूरी जिम्मेदारी आपके क्षेत्र की सेक्टर मजिस्ट्रेट की होती है, और डीओ के बिहाफ पे वो वहाँ पे सारे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप सभी से यह आग्रह है कि कृपया, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ मीडिया बंधु भी हैं, सब लोग हैं, तो आपका कम से कम इस हॉल में आचरण ऐसा होना चाहिए, ट्रेनिंग इस प्रकार से लिया जाना चाहिए कि ऐसा लगे कि हाँ हमारे जिले के सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हैं, और बीच में किसी प्रकार का कृपया फोन का प्रयोग ना करें, और एक एक करके जो प्रारूप इत्यादि है वो आप लोगों को समझाया जाएगा। पिछली बार जब पहली बार जब भ्रमण हुआ था, आप सभी को पता है कि जब ये भ्रमण का कार्यक्रम होता है तो दिन भर एक दो दिन आपका भी लगता है, और उसके बाद उस रिपोर्ट को हम भी एनालाइज करते हैं, और अगर वो रिपोर्ट सही तरीके से ना भरा गया हो या बहुत ही कैजुअली भर दिया गया हो या किसी अधीनस्थ के द्वारा भर दिया गया हो तो उसका कोई फल नहीं निकलता और बाद में उससे समस्याएं खड़ी होती हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि कृपया बिल्कुल जो प्रक्रिया समझाई जा रही है, चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है, उसका अक्षरशः पालन होना है, और उसका प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा दिया जाना है। तो कृपया सभी लोग शांति से बैठ के आराम से समझेंगे, और किसी भी प्रारूप इत्यादि से संबंधित कोई भी किसी को भी कोई संशय रह जाए इस बैठक के अंत में, तो हमारे यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, पुलिस के भी मौजूद हैं, और हमारे प्रशासन के भी मौजूद हैं, आपके सभी प्रकार के डाउट को यहाँ पे क्लियर करेंगे। और आप में से कई लोग काफी समय से ये ड्यूटियां करते आ रहे हैं और बहुत सारे चुनाव देख लिए, लेकिन आप सभी से भी आग्रह है कि कृपया भले ही वो रिपीटिशन हो लेकिन फिर भी आप लोग उसको यहाँ से ध्यान से सुने। धन्यवाद। तो वहाँ तो प्रमुखता होगी, बाकी प्राइवेट स्कूल में नहीं होगी, जाए तो विद्यालय खुला रहेगा, वहाँ प्राइवेट स्कूल के मास्टर होंगे। यानी है ये उससे संबंधित है, इसमें जो अधिकांश जो रिपोर्ट आती है और जिसके बाद वो रिपोर्ट देख के ऐसा लगता है कि शायद ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं इसमें कुछ त्रुटि है, वो ये आती है कि सबसे पहले रैंप की उपलब्धता। देखिए, अगर कहीं पे बिल्कुल एक सपाट सरफेस है, सीधे कमरे में एंट्री है, और उसके आगे की जो जमीन है वो उसके लेवल पे है, किसी प्रकार की कोई सीढ़ी नहीं है, तो चुनाव आयोग ने कहा है कि उसको रैंप माना जाए। वहाँ पर रैंप बनाने की, जैसा आप जानते हैं खुद की, उसमें आवश्यकता नहीं होती। रैंप की आवश्यकता वही है जहाँ पे सीढ़ी चढ़ के कमरे के अंदर घुसना हो, और अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आए तो वहाँ पे वो उसके लिए उसको रैंप की आवश्यकता पड़े। सिर्फ ऐसे ही स्थानों पे रैंप चाहिए होगा। अगर कहीं पे सपाट सरफेस हो, कमरे में सीधे एंट्री हो, उसके आगे का फर्श बिल्कुल उसके लेवल पे हो, तो वहाँ पे रैंप की उपलब्धता में आप हाँ लिखिएगा, ना कि ना। ठीक है, ये पहला बिंदु है। दूसरा, शौचालय की उपलब्धता में प्रायः हम लोगों ने भी देखा, अभी फिलहाल जब एमएफ की हमने रिपोर्ट मंगवाई थी तो उसमें प्रति बूथ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो एक शौचालय की उपलब्धता खोजने लगते हैं,
ये जान के चलेगा कि एक प्रांगण में हो सकता है कि एक से अधिक बूथ हो, और वहाँ पे अगर आपको एक या दो शौचालय महिला पुरुष अलग अगर एक शौचालय अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ पे शौचालय की उपलब्धता सभी बूथों के लिए आपको हाँ करना है, क्योंकि प्रति बूथ फिर दो दो शौचालय एक प्रांगण में बना पाना संभव नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। फर्नीचर कुर्सी की जहाँ तक उपलब्धता है, जैसा आप सभी जानते हैं, आप सभी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, आपने इसके पहले भी एक बूथ का बेसिक सेटअप देख रखा है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे फर्नीचर की उपलब्धता है कि नहीं है ये भी आपको आंकना है। और जो ये इलेक्ट्रॉनिक रोल बूथ पे चश्मा वाली बात है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि इसमें हमारे जो BSA साहब हैं उनके जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं और अन्य विद्यालयों पे इस बार यह प्रावधान किया गया है कि उनको एक इलेक्ट्रॉनिक रोल की कॉपी दे दी गई है और उनसे कहा गया है कि वो अपने विद्यालयों पे उसको चस्पा कराएं और उस पे चारों तरफ लकड़ी की फ्रेमिंग करके उसके ऊपर एक लोहे की जाली लगवा दें, जिससे कि अगर लोग उसको देखना चाहें तो उसको देख के अपना नाम उसमें देख सकें कि उनका नाम है अथवा नहीं है, और अगर है तो फिर और अगर नहीं है तो अभी भी वो जुड़वा सकते हैं तो वो उसको जुड़वा लेंगे, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें लगता है कि नहीं गलत नाम है या उसमें कोई त्रुटि है तो वो उसको अपना सही करा ले, इसके लिए वहाँ पे चस्पा किया गया है। ये मोटी मोटी बातें हैं जो मुझे बतानी थी। देखिए ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप ही की रिपोर्ट के आधार पे फिर हम लोग सभी विभागों की एक बैठक करेंगे और फिर सभी विभागों को कंपाइल करके हम देंगे और लगातार उसी के आधार पर हम लोग ये मान के चलेंगे कि वहाँ पर AMF की सुविधा उसके हिसाब से उपलब्ध है। रास्ते में कोई पेड़ पड़ता है या बिजली का खंभा है, बिजली का तार है, उसके नाते अगर बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, आज की व्यवस्था में चर्चा हो गई, उस बूथ पर पूर्व में कोई विवाद तो नहीं हुआ है मौके पर। अगर किसी गाइडेंस की जरूरत है तो सब सीनियर ऑफिसर्स आपकी मदद के लिए हर समय तैयार रहेंगे, तो ये चीज आपको जिम्मेदारी निभानी है, तभी आप किसी के प्रश्न का जवाब या किसी भी समस्या का समाधान कर सकेंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट साहिवान जिले के बेस्ट ऑफिसर्स हैं। इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश है कि जिले के सबसे श्रेष्ठ अधिकारियों को इलेक्शन कमीशन देता है और आप फुल फ्लेश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, तो आपको सारी मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं, ये नहीं है कि आपको अभी तक आएंगे, आपको वहाँ पर जितने भी वाहन लगे होंगे आपकी विधानसभा क्षेत्र की पार्टियां ले जाने के लिए, उस पर आपको उनके शीशे पर एक वहाँ पर पोस्टर या एक सूचना लगी रहेगी जिसमें वाहन की संख्या और पार्टी की संख्या अंकित होगी। प्रदेश नहीं पूरे देश की निगाह होगी और एक भी बूथ पर कोई VVPAT खराब होना बदला जाना ये खबर के तौर पर पूरे देश में फैल रहा होगा कि यहाँ मतदान आधे घंटे देर से शुरू हुआ, एक घंटा देर से शुरू हुआ या 12 बजे खराब हो गया, तो ये बहुत देखने वाली बात है। 19 तारीख और उस तरह 21 तारीख और इस तरह की गर्मियाँ जो हैं बहुत तेज होंगी और आपने जब यहाँ से लेना है सामान और जब तक जमा करना है तब तक आप केवल एक दिन का मत सोचिए, जिस दिन मतदान है आप सामान लेंगे उसके बाद लाएंगे सामान, उस दौरान भीषण गर्मी का सामना आपने भी करना है, मशीनों ने भी करना है। और मैं पुलिस की तरफ से मैं अभी यहीं पर थोड़ा वर्कआउट कर रहा था हमारी फोर्स के, हम चाहेंगे कि 221 सेक्टर में 281 जो सेक्टर में स्टेट है सबके साथ में कोई ना कोई पुलिस रैप दे सकूं, हवलदार कैंड अबव, हमारे पास इतनी बड़ी संख्या नहीं है क्योंकि आपको पता ही है इलेक्शन होता है, तो अभी मेरी फोर्स यहाँ से मेरठ और अलीगढ़ के लिए भी डिमांड की गई है भारी संख्या में, यहाँ से जो गोरखपुर जिले की नफरी है वो भी जा रही होगी, आपका काम भी बढ़ जाएगा, आपने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने सेक्टर और अपने एरियाज को देखना पड़ेगा, कहीं कोई बात है आपने इंटरव्यू करना पड़ेगा एज ए मजिस्ट्रेट, काइंडली अपने मजिस्ट्रेसी ड्यूटीज को भी समझ लें, आपके पास फोर्स नहीं होगी, खास तौर से अभी जो दो डेढ़ दो महीना अभी जो बीच का टाइम है उस दौरान पहली दूसरी तारीख से ही हमारी फोर्स जो गोरखपुर की है
तकरीबन 50% जो है चली जाएगी वेस्टर्न यूपी की तरफ, और ये आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। आपके सेक्टर्स में फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, एसएसटीज हैं, क्या चल रहा है वल्नरेबल एरियाज में, वल्नरेबल बजरे में, उनको आप भी निगरानी कर लें। अगली बात में जो अभी बताई गई कि आप जब भी एरिए में जाएंगे, आप चले जाए थाने, हम डायरेक्शंस दे रहे हैं, वहाँ आपके लिए नोडल अफसर आज रात तक लगा देंगे और उसकी लिस्ट हम मुहैया करा देंगे। तो जो भी आपके साथ जवान या हवलदार या सब इंस्पेक्टर ASI जो भी उपलब्ध हो पाएगा, हालांकि ये पहले से परंपरा रही नहीं है, हमारे पास फोर्स कम होगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे 281 में स्टेट के साथ अभी से ही एक परमानेंट रैप लगा दें, जो आपके साथ 1.5 महीने एक ही बंदा रहेगा, बदली ना हो। और सिमिलरली जो मैंने कहा कि आपको अपनी पावर्स पता हो जानी चाहिए, अपने मजिस्ट्रेसी में जो आपको इस इलेक्शन के दौरान पावर्स दी जा रही है उनका समझ बूझ करके इस्तेमाल करें, कोई इशू मत क्रिएट होने दें, इशू है तो उसको वहीं रिजॉल्व करें। जब तक कि आप अपनी ब्रीफिंग अच्छे से नहीं करेंगे, मैंने देखा कुछ लोगों को नींद भी आ रही थी, कुछ उसमें मौसम का तकाजा है, फागुन का महीना चल रहा है, कुछ लोगों को नींद आई है, तो लेकिन अभी कुछ कागज आपको दिए गए हैं, इत्मीनान से जाके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये बहुत ही हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश के जनतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसको मैं कहूँगा ड्यूटी ना मान करके इसको एक जिम्मेदारी माना जाए, ड्यूटी तो है ही है, करना ही है, एक ये देशभक्ति का जुनून है। अगर सीमा पर फौज लड़ रही है, पुलिस लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं, तो आज आपकी बारी है जनतंत्र के लिए अपना योगदान देने की, जनतंत्र के लिए आपने आगे बढ़ना है। और जो कुछ एक चीज़ें कमियां हैं, अभी कुछ बोर्ड्स वगैरह लगे हैं, उनको भी आप जाकर के देखिए, वहाँ सुविधाएँ देखिए, और गर्मी का ध्यान रखते हुए वहाँ जो बेसिक फैसिलिटीज आप बढ़ा सकते हैं, पेड़ है, तनाव तंबू लगाना है, क्या लगाना है, क्योंकि गोरखपुर में जो हम लोगों ने, हमने और DM साहब ने भी देखा, वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, और हमें पर्याप्त समय सरकार ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने पर्याप्त समय दिया है कि अब उसको हम बढ़ा सकते हैं, 1.5 महीना है हमारे पास, और इतने में तो कुछ भी किया जा सकता है, अगर प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकता पुलिस और प्रशासन मिलकर के। तो मैं इसी बात के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको आप भार की तरह मत लें, ये एक दायित्व तो है, हमें देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसमें देशभक्ति के साथ काम करें। धन्यवाद। तो होता है उसमें MCC का वायलेशन होता है और किसी संबंधित कोई शिकायत मिलता है तो तुरंत आपका ये असर हाथ पैर ये मोबाइल ऐप आपके काम में आएगा और फ्लाइंग स्क्वाड का टीम आपके काम में आएगा। आपका जो 26 को गवर्नमेंट जाएंगे उस पर जो कागज मिलता है उसके साथ साथ ये भी मिलेगा, आपको सारे ऑफिसर का नंबर मिलेगा, ये मोबाइल ऐप का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डिटेल ये भी मिलेगा, कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे देखना है, सारे डिटेल वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाओ, उसमें भी डाल देंगे, आपको एक बार पूरा जानकारी ले लीजिएगा। दोबारा दोहराना चाहता हूँ, कुछ चीज आपको पहले ही पता रहता है, मैं कि आप सब जनरल ऑफिसर है, अब देखिए तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हम ही है, इस पर गर्व भी है, उसके साथ साथ हम लोग को बहुत मेहनत भी करना पड़ता है जाना, ताकि ऐसे एक पर्व है एक चुनाव, इसमें सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज होता है दुनिया में सबसे बड़ा एक्सरसाइज यही है, ताकि तो पूरे मान लीजिए जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर नॉर्थ ईस्ट से लेके जो गुजरात तक, सभी लोग उसी दिन जाकर के वोट देते हैं, 5 साल के एक बार ये मौका मिलता है, फिर हम लोग प्रतिनिधि चुनके तो फिर हम लोग सत्ता में भेजते हैं, वो 5 साल आगे 5 साल हम लोग के लिए जो भी पॉलिसी है वो बनाते हैं प्रतिनिधि के रूप से। इसमें जो देखेंगे जो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, आप जानते हैं 80 लोकसभा सीट है यहाँ, उसमें कुछ जनपद में सबसे ज्यादा बूथ का संख्या है, नंबर 1 में इलाहाबाद है, दूसरा नंबर में गोरखपुर, हम लोग का बूथ है 3780 बूथ है, इलाहाबाद में तकरीबन 4000 बूथ है, हम तो जनपद दूसरा नंबर पर है 75 जनपद, उसी के हिसाब से हम लोग का मैन पावर करना पड़ता है, उसी के हिसाब से मेहनत करना पड़ता है, और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश 7 देश में जो चुनाव हो जा रही है,
हम तो सातवीं फेज में है, बट उसमें ये विधानसभा क्षेत्र छह नंबर फेज में चले जाता हमारा। गोरखपुर देखेंगे, तीन सांसदीय क्षेत्र पड़ता है, गोरखपुर सीट में पांच विधानसभा क्षेत्र है, बांसगांव है, बांसगांव में तीन विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर में पड़ता है, दो देवरिया में पड़ता है, और संत कबीर नगर का विधानसभा क्षेत्र का सांसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र खजनी गोरखपुर में पड़ता है। तो खजनी का लोकसभा क्षेत्र का चुनाव तो सिक्स्थ फेज में है, यानी 16 तारीख से नॉमिनेशन वहां 16 अप्रैल से चालू हो जाएगा। बाकी जो हम लोग का गोरखपुर का जो बाकी अन्य है जो 8 विधानसभा क्षेत्र है उसी का 22 अप्रैल से प्रक्रिया नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद नामांकन का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। 23 तारीख का चुनाव होगा, 23 मई का यहाँ जो काउंटिंग है, 19 का जो हम लोग का चुनाव है, 23 से काउंटिंग। ये तो फिर मोटा मोटा प्लान है आपका। तो डिटेल में देखिए, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट आप एक तरफ, हम सभी का इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधि है, अभी सत्ता में कोई नहीं है, सत्ता में जो लोग हैं हम लोग ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सब इस समय में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद, यानी 10 मार्च में तब डिक्लेरेशन हुआ है, नोटिफिकेशन हुआ है, उस समय से हम सभी लोग इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी है, उसमें सभी का रोल डिफाइन है। मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर गोरखपुर, उसी का मेरा कर्तव्य है, किसी जनपद में कितने बूथ है सबको सुविधा कराना है, फिर वोट शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। ऐसे ही मेरा साथ एडीएम साहिबान है, कप्तान साहिबान है, सीओ साहिबान है, सभी ऑफिसर का अलग अलग असाइनमेंट है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस पे खासतौर पर जो बूथ का जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी का है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं उसको, जो वही तो पूरा पूरा बूथ संभालते हैं। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण हमारा खड़ी है वो आप ही है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है, उसको आपको ऊपर तो नोडल मजिस्ट्रेट के रूप से 31 लोग तैनात है, और उसके बाद एसडीएम साहिबान रहेंगे, उसके बाद सभी लोग जनपद स्तर अधिकारी रहते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट का भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि, तो हम तो यहाँ तो 3870 बूथ तो हर बूथ को दौड़ नहीं सकते हैं, इलेक्शन कमीशन भी दौड़ नहीं सकता है, हम लोग का इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधि के रूप से आ जाएंगे, और इसमें कम से कम हम लोग 3 राउंड भ्रमण कराते हैं सेक्टर मजिस्ट्रेट माध्यम से, उसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इस समय में देखिए, इस समय में जो आपका पहले भ्रमण जो 26 तारीख से प्रारंभ हो जा रही है, उसको भूमिका और उसका मकसद अलग है, दूसरा जो भ्रमण में जाएंगे उसका मकसद अलग होता है, तो फोल्ड डे के दिन में जो मकसद अलग होता है, उसके बाद फिर पार्टी के लिए आने लाने में तो फिर उस समय में अलग मकसद होता है। खासतौर पर जो सेक्टर में सेट कितने लोग हैं, आप लोग मेरा मास्टर ट्रेनर के रूप से भी काम करेंगे, यानी आप लोग का मास्टर ट्रेनर का दर्ज में पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा रहे और फर्स्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स के रूप से आप ही रहते हैं। मान लीजिए किसी भी बूथ पे कोई भी इश्यू हो गया है, कोई मशीन खराब हो गया, नहीं तो पीठासीन अधिकारी के कोई फॉर्म भराने में कोई डाउट है, नहीं तो कोई लोकल पे कोई इश्यू है, वो आप ही तो फर्स्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्स मेरा आप ही है, यानी इलेक्शन कमीशन का आप ही है। आपका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे एडीएम साहब तो मोटा मोटा सारे चीज तो बता दिए, मैं फिर भी थोड़ा जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ। इस समय में हम लोग का फोकस है आदर्श आचार संहिता का पालन कराना है, ताकि नोटिफिकेशन होते हुए हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। इसमें तमाम पार्टियां चुनाव में लड़ेंगे, कुछ पार्टी के पास धनबल तो अच्छा है, कुछ पार्टियां बहुत कमजोर होंगे, कुछ पार्टियां राज्य स्तर पे होंगे, कुछ पार्टियां लोकल स्तर पे होंगे, कोई निर्दलीय होंगे, ये सभी कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन के नजर के सामने सब बराबर ट्रीट करना है। उसके लिए एक जैसे हम लोग एक माहौल बनाना होगा, उसी के लिए जो उनको मान लीजिए वोटर के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ सकता है वो चीज को हम लोग को हटाना मिटाना होता है। अब देखे होंगे पेपर में भी पढ़े होंगे, तब 10 तारीख का जो चुनाव घोषणा हो गया, फिर हम लोग को 24 घंटे के अंदर जो होर्डिंग बैनर इत्यादि जो भी सार्वजनिक स्तर पर लगा हुआ है उसको हटाना होता है, तो उसके बाद फिर कमीशन और 24 घंटे समय देती है और बचा हुआ जगह मिटाने के लिए, खासतौर पर जो कहा वॉल राइटिंग होता है उसको मिटाने में समय लगता है। उसके बाद फिर 72 घंटे में फिर मौका देती है, प्राइवेट जगह पे बिना अनुमति के कोई प्रचार सामग्री लगा दिया है, उतार दिया है, लिखवा दिया है, उसको मिटाने के लिए
ये तीनों तरह का रिपोर्ट हम लोग का कमीशन को चला गया है। ये हजारों संख्या में जो हम लोग यहाँ से पोस्टर बैनर इत्यादि सारे हटा दिए, पर फिर भी अभी भी किसी जगह लगा हुआ होगा। आप लोग जो कहीं बूथ पे जाएंगे, बूथ का 200 मीटर परिस्थिति में कोई प्रचार प्रसार का सामग्री अलाउड नहीं है किसी भी रूप में। तो वो यदि बैनर हो, होर्डिंग हो, छोटी भी लिखा हुआ हो, किसी भी चीज अलाउड नहीं। उसके अलावा जो प्राइवेट मकान है, दुकान है, जो भी है, उनका बिना लिखित परमिशन को लगा हुआ है, वो भी गलत है। ये भी आपको इंश्योर करना है। ऐसे तो नहीं कोई दबा करके किसी से जानबूझ के पूरे गांव में फुटवा दिया, नहीं तो झंडा लगा दिया, ये करा दिया। यदि उनके पास अनुमति है, सहमति है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो फॉलो कर सकते हैं। और इसका मकसद एक ही चीज है, अनड्यू एडवांटेज किसी को नहीं देना। यानी जो भी पार्टी है, प्रभावशाली है, जो भी व्यक्ति है, वो अपने दबाव के रूप से जनता को, मंशा को प्रभावित ना करना, यही इसका मकसद। इसलिए खासतौर पर हम लोग को वो देखना है। और उसके अलावा जो गाड़ी में भी झंडा लगा हुआ होगा, उसको भी विधिवत परमिशन लेना होता है। और यदि मान लीजिए कोई रैली चल रहा हो, जुलूस चल रहा हो, कोई चुनाव संबंधित अपील कर रहा हो, सभी चीज का परमिशन अनिवार्य है। इसलिए मैडम ने दो एप्लीकेशन आपको दिखाया है। पहले परमिशन लेने के लिए तो उन लोग को हर जगह चक्कर काटना पड़ता था, अब एक सुविधा करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है। ये हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के भी बुला करके समझा चुके हैं, ट्रेनिंग भी दे चुके हैं। किसी के भी जो भी जगह परमिशन चाहिए, जुलूस के लिए, मंच के लिए, किसी भी चीज के लिए, वो जो मोबाइल के जरिए से आराम से अप्लाई कर सकते हैं। वो 24 घंटे के अंदर कंसर्न SDM उसको चेक करते हुए उनका परमिशन तुरंत जारी करा देते हैं। उसके बाद फिर जो उसी के साथ से कर सकते हैं। इस समय में जो आदर्श आचार संहिता लगने के बाद, ये आदर्श आचार संहिता पालन करने के लिए हम लोग कुछ टीमें क्षेत्र में एक्टिवेट करा दिए तुरंत। उस पर खासतौर पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम है। हर विधानसभा में तीन तीन टीम है, तीन टीम आठ आठ घंटे के काम करते हैं। यानी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक टीम एक विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे, आठ आठ घंटे के 24 घंटे ये टीम घूमते रहेगा। ये फ्लाइंग स्क्वाड आपके क्षेत्र में कौन है, उसको डिटेल भी आपको 26 तारीख को मिलेगा। कृपया करके उनको भी संपर्क करके आपका संपर्क बनाए रखिएगा। अगले बार डीब्रीफिंग में आपको बुलाएंगे, उस समय में उन लोगों को भी बुला लेते हैं हम लोग, ताकि उनको परसेप्शन और आपस में एक समन्वय हो जाएगा आपस में। वो फ्लाइंग स्क्वाड आपका आपका आप जो काम करते हैं एक दिन का है, उन लोगों का लगातार काम कराना होता है चुनाव संपन्न होने तक। एक टीम तो फ्लाइंग स्क्वाड हो गया। उसके बाद हम लोग का नामांकन प्रोसेस प्रक्रिया जो किसी दिन प्रारंभ होता है, वैसे जो 22 तारीख से प्रारंभ हो जाता है, 22 अप्रैल से, उसी दिन से और दो तीन टीम हम लोग एक्टिवेट करते हैं। एक वीडियो सर्वेलेंस टीम होता है। वीडियो सर्वेलेंस टीम के खासतौर पर जो उन लोगों का कहाँ कहाँ जुलूस होता है, जो खर्च करते हैं, उसको मॉनिटर कराना है। खर्चा के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए एक टीम है। वैसे एक एक सांसदीय क्षेत्र में सांसद के कैंडिडेट जो उम्मीदवार है, 70 लाख तक वो खर्च कर सकते हैं। 70 लाख सीमा कमीशन ने फिक्स कर रखा है। कोई व्यक्ति 70 लाख के ऊपर यदि खर्च किया है, वो यदि कमीशन को संज्ञान में आया है, तो जीतने के बाद भी उनके कैंडिडेट कारिज कर सकते हैं। उतने बड़ा प्रोविजन है। पिछले बार चुनाव में बहुत लोग का कारिज भी हुआ कैंडिडेट था कि, तो उन्हें खर्चा का लेखा जोखा सारे सबमिट करना होता है चुनाव संपन्न होते हुए एक महीने के अंदर। यदि वो सबमिट नहीं करता तो उसी के वजह उनके कैंडिडेट कारिज कर सकते हैं, ताकि पैसा के बल में कोई व्यक्ति उसका प्रभाव नहीं डाल सकते, वही उसका मतलब। उसके अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट का टीम भी रहता है, ताकि जगह जगह हम लोग इस पे बैरिकेडिंग लगा करके कुछ मजिस्ट्रेट को लगा देते हैं। उनको भी मकसद इस समय में यही है, पेपर में पड़े होंगे 50,000 का ऊपर कोई व्यक्ति बिना कागज को लेके जाता तो उसको तुरंत हम लोग उसको जब्त करते हैं। कंसर्न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचना करते हैं। उसके बाद जांच पड़ताल के बाद ही वो एक समिति बना हुआ है CTO लेवल पे, मेरा लेवल पे, उसी के बाद वो पैसा रिलीज होता है। प्रचार प्रसार का सामग्री हो, नहीं तो शराब का बाटल हो, नहीं तो साड़ी हो, जो भी चीज है, जो लुभाने वाले चीज है, दबाने वाले चीज है, उसको तो मुंह नहीं कर सकते। यही तो खासतौर पर मोटा मोटा आदर्श आचार संहिता है। किसी का स्थिति देखना है खासतौर पर। ऐसे तो नहीं वो हम मौके पर कोई व्यक्ति अभी से तैयारी कर रहा हो, पैसा देने के प्रॉमिस कर रहा हो, नहीं तो फिर शराब बांटने के लिए थोड़ा उत्साह रहा हो, नहीं तो शराब बट रहा हो, जो भी है, यदि तो कोई प्रॉमिस कर रहा हो, नहीं तो प्रॉमिस करने के लिए स्थिति में है, नहीं तो कुछ हो रहा हो, ये चीज को आपको रिकॉर्ड कराना होगा, रिपोर्ट कराना होगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। आप किसी दिन जाते हैं, कप्तान साहब भी प्लानिंग करती है, आपको सीधे सीधे आप पहले बार पुलिस स्टेशन, जो उसी क्षेत्र का पुलिस स्टेशन में चले जाइएगा, वहां का सूचना ले लीजिएगा, वहां आपके एक साथी आ जाएंगे, वहां आपके साथ आने के लिए।
वो आपका क्षेत्र भ्रमण में भी साथ रहेंगे, वो उनका फीडबैक ले लीजिए। खासतौर पर पुलिस स्टेशन से आपको कुछ जानकारी लेना होता उसी क्षेत्र संबंधित, जो मान लीजिए किसी भी बूथ का किसी भी सेंटर को जाता है उसी गांव के बारे में जरूर जानकारी ले लीजिएगा। उसी गांव में हिस्ट्री शीट है, कितने लोग हैं, ये कितने लोग जो क्रिमिनल हिस्ट्री है, जो जेल में अंदर बंद है नहीं तो जेल के बाहर आ गए, जमानत पे आ गया है, दूसरे किसी के ऊपर NPW जारी है यानी कुख्यात अपराध कर दिया है और कोर्ट में नहीं जा रहा, बार बार जो कोर्ट पुकारने के बाद भी नहीं जा रहा, उसको नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट से जारी हुआ है फिर भी नहीं जा रहा है, वो स्थिति है उसको, तो उससे एक आइडिया आ जाता है। किसी गांव में मान लीजिए तो प्रभावशाली व्यक्ति ज्यादा है, इसकी सीटें ज्यादा है, तो जरूर उस पर ध्यान देना होता है ताकि तो चुनाव के समय वो प्रभाव डाल सकता है। और उसके अलावा यदि मान लीजिए वहाँ बंदूक कितने हैं वो भी मोटा मोटा आके आपको पता चल जाता है किसी गाँव में, ताकि चुनाव के पहले सारे बंदूकें जमा करा देते हैं ताकि तो किसी किसी छोटा मोटा घटना में तो उसको बंदूक यूज में आ जाता है, फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने भी सज्जन है हम लोग उनको ऑप्शन नहीं देते, चुनाव तक उनका बंदूक हम जमा करवा के रखते हैं, यदि थाना में जमा करके रखते हैं नहीं तो दुकान में जमा करके रखते हैं। तो आपको ये भी अंदाज लगाना है तो उसी गांव में कितने बंदूक हो सकता है अंदाज में, बाकी डिटेल हम लोग तो जमा कराते हैं और आपका थानेदार का तो आंकड़ा भी रहता है कितने मोटा मोटा होता है। उसके अलावा जो यदि शराब का कल्चर होता है तो गाँव में कच्ची शराब कहीं कहीं बनता है, खासतौर पर ईंट भट्टा होता है तो ईंट भट्टा में जो बनाते हैं, और जो नदी के किनारे क्षेत्र है वहाँ प्रभाव रहता है, और कुछ समूह लोग हैं वो तो आदतन बनाते हैं, वो ऐसे कुछ है तो वो भी पता कराना होता है ताकि शराब का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है वोटर का जो वोटिंग ट्रेंड के ऊपर, वो भी देखना होगा ये चीज़। तो यदि देशी शराब का दुकान है किया यानी शराब का संबंधित मामला है, ये सारे सूचना आपका थाने से जानकारी अच्छा खासा मिलेगा। ताकि देखिए सेक्टर मैजिस्ट्रेट यानी आप DM ही है उसी क्षेत्र 10-15 बूथ का, आप ही जनपद के जिलाधिकारी है, उसी का पूरा पूरा नियंत्रण आपका कंट्रोल में होना चाहिए था पूरा पूरा, यही तो ये आप ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे नियंत्रण में कोई चीज नहीं रहेगा। पहले आंकड़ा इकट्ठा करना है, उसके बाद आपको महसूस करना हो गांव कैसे है, फीलिंग कैसे है। और दूसरा चीज है, अब तो वैसे ADM साहब ने क्लियरली बताया जो जाने वाले रास्ता कैसे है, जाने आने का एक ही रास्ता तो दो रास्ता, मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले मैं कासगंज में डी होता है चुनाव करने से, हमने चुनाव का पार्टी पहुंच गया उसको रातों रात उसका रास्ता एक ही ब्रिज उसको तोड़ी गई जानबूझ करके ताकि वो मजरा वाले तो ना आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग लग करके तब तो JCB लग करके उसको पुलिया सही किए, उसमें जनता को मोटिवेट करके लाए, तो फिर भी वोटर परसेंटेज वहाँ खराब निकला। ऐसे तो ये अक्सर यहाँ भी संभावना है, कहाँ कहाँ 2-3 मजरा से जुड़ा हुआ एक पोलिंग बूथ है वहाँ किसी मजरा से किसी का वोट नहीं पड़वाना है, नहीं तो कमजोर व्यक्ति हो उसको वोट ना डालने के लिए कोई भी तरीका कराते हैं, उसको तो आपको जानकारी लेना है कि बूथ तक जाना आने का रास्ता कैसे है। ऐसे कोई स्थिति तो नहीं है तो कहीं मान लीजिए कोई रोड कट गया हो नहीं तो कमजोर है क्षतिग्रस्त है, ये जरूर रिपोर्ट कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है वो रोड कुछ क्षतिग्रस्त हो सकता है भविष्य में, मान लीजिए अभी तो ठीक है 2 महीने में कुछ हो सकता है, उसको भी रिपोर्ट करा दीजिए, उसमें पहले से हम लोग एडवांस में सही करा देंगे ताकि उस समय में आपको रिपोर्ट के बेस में हम लोग कौन सी वाहन भेजना है उसको तय कर दें। मान लीजिए पतली गली के माध्यम से जो बूथ जाना है उसको तो फिर छोटी वाहन हम प्रयोग करते हैं भारी वाहन के जगह, यदि मान लीजिए ठीक ठाक जगह मिल रहा है तो फिर भारी वाहन हम यूज करते हैं बस और जो भी चीज़ है उसी के माध्यम से तो पार्टी रवाना करते हैं, ये रूट चार्ट है उसी के माध्यम से बनता है, इसलिए तो जो जाते हैं वो रास्ता देखना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज़ है जो कम्युनिकेशन प्लान के बारे में बताए थे, ताकि उसी दिन पोलिंग परसेंटेज आप हर घंटे का रिपोर्ट कराना होता है, वो तब तक कम्युनिकेशन ढंग से नहीं होता है फिर इलेक्शन कमीशन नहीं समझते हैं तो फिर वो समझते हैं कुछ गड़बड़ है। मान लीजिए किसी पोलिंग बूथ से 3-4 घंटे सूचना नहीं पहुंचता है कमीशन को ये अलाउ हो जाता है तो फिर क्यों वहाँ सूचना नहीं मिल रहा है, ऐसे तो नहीं बूथ कैप्चर हो गया कुछ घटना हो गया, इसलिए तो वहाँ कम्युनिकेशन जरूर पता कर लीजिए। कोई मोबाइल यदि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र ऐसे भी है सर मोबाइल कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है, नहीं तो एक दो सिग्नल पकड़ता है कमजोर है उसको पहले बता दीजिए, हम लोग जनपद लेवल पे जो सर्विस प्रोवाइडर को बुला करके उसको बूस्टर लगाना होता है, जो भी टेक्निकली जो उसका सही कराना होता है वो सही कराते हैं, सही भी हो जाता है, बट उसको सूचना आपके जरिए से हमें मिलना चाहिए था किस किस बूथ में किसका नेटवर्क चल रहा है किसको नहीं चलता है किसके कमजोर है किसका अच्छा है। यदि तो आप है तो कोई बिल्कुल किसी का भी सिग्नल नहीं चलता तो उसी हिसाब से हम लोग वायरलेस सेट रखना पड़ता है, उसी हिसाब से बूथ रखना होता है, इसलिए कम्युनिकेशन तो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है, वो ये दोनों जानकारी आपके माध्यम से हम लोग को मिलना चाहिए। उसके बाद अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी बूथ के बारे में,
इस बार पहले बार से इस बार तो आप देख सकते हैं जो कितने पोलिंग बूथ है उसको तो बहुत अच्छा सुविधा हम लोग कर रखा है। करीब 3000 विद्यालय में हम लोग टाइल लगा करके और बाथरूम शौचालय का जो ODF के जरिए से तो बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखा है। रैम हर जगह है, कुछ जगह बिजली नहीं है, बिजली की व्यवस्था हो गया है, इसलिए पहले जैसे नहीं है। जो पहले तो रुकने के लिए डरते हैं ऐसे नहीं है, अभी स्थिति तो बहुत बेहतर हो गया है और रुकने के पॉइंट ऑफ व्यू में भी हम लोग बहुत बेहतर कराया है। आपको लगता है फिर भी कोई कमजोर पड़ गया है, कुछ कमी है पोलिंग बूथ में, जो वहाँ तो कुछ चीज कमी है, तो फिर जरूर बता दीजिए, हम लोग के पास ठीक वक्त है, उसको हम लग करके सही करा देंगे। त्रुटि वजह छूट गया है, नहीं तो किसी न किसी वजह बाहर रहता हो, अभी आया हो, जो भी है, नाम तो जरूर अभी चुनाव में नॉमिनेशन के पहले मतलब नॉमिनेशन खत्म होने पहले तक जोड़ सकते हैं। वो उनसे फॉर्म से बढ़ा करके वो BLO को जमा कराना है, हम लोग उनको वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ देंगे। किसी के नाम पार तो नहीं सकते इस समय में, बट जोड़ जरूर सकते हैं, तो किसी के नाम छुटका हुआ तो जरूर जोड़ सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। तो दूसरा चीज ये भी देख लीजिए, इलेक्टोरल रोल का वो फेयरनेस यानी जो कितने अच्छा बना हुआ है, उसी से ही तो ज्यादातर बवाल होता है। मान लीजिए इलेक्टोरल लिस्ट यदि अच्छा बन गया है तो वहां तो चुनाव भी संपन्न अच्छा से हो जाता है, वोटर परसेंटेज भी अच्छा दर्ज होता है। किसी न किसी वजह BLO को लापरवाही वजह वोटर लिस्ट ढंग से नहीं बनी है, उसी की वजह मान लीजिए किसी का मरा हुआ व्यक्ति तो 50-60 लोग का घाटा नहीं है, किसी का मान लीजिए 100-200 मतलब कोई लोग 50-100 लोग तो बाहर ही रहते हैं हमेशा, उनका नाम अभी भी बना आ रहा है, उसको तो जरूर उनको वोट देने के लिए वो लोग प्रयास करते हैं, उसी की वजह नाम डालने का इश्यू हो जाता है, उसी की वजह छोटा इश्यू बड़ा हो जाता है। जो इलेक्ट्रल रोल है एक बार उठा के एक बार देख लीजिए, उससे एक अंदाज बन जाता है सही बना है कि नहीं। अब गांव वाले से भी फीडबैक ले सकते हैं, तो सभी लोग का नाम आ गया कि नहीं। जनरली आपको लगता है BLO कुछ भी काम नहीं किया है, नहीं तो वोटर लिस्ट उतने अच्छा नहीं है, तो जरूर हम लोग को रिपोर्ट में दर्ज करा दीजिए, उसके एंक्वायरी करा करके उस लिस्ट को सही करा देंगे, ताकि वो तो एक तरफ इलेक्शन प्रोसेस से जान होता है, इलेक्ट्रल लिस्ट उसी से ही झगड़ा होता है, उसी से सारे चीज होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। अनुवाद करेंगे तो कमजोर कहते हैं, कमजोर मतलब क्या है, वल्नरेबल यानी उसी एरिया का वल्नरेबल कहते हैं, वल्नरेबल मतलब कमजोर है, किसी न किसी वजह कमजोर है, कुछ इलाका का इंडिकेट करती है, यानी जो वहाँ किसी न किसी वजह जो वोटर है वो प्रभावित हो सकते हैं, आने वाले वर्ग वहाँ ज्यादा हो, दोनों चीज हो सकता है, यानी एक जगह का एक बूथ कौन सी बूथ में डालते हैं उससे क्रिटिकल बूथ बनता है, क्रिटिकल बूथ के लिए तो ओवर तमाम चीज जोड़ने के बाद तो क्रिटिकल बनता है, उसी हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, वो चीज बढ़ता है। खासतौर पर मान लीजिए वहां जो मान लीजिए किसी प्रभावशाली यानी किसी वोटर का 90% को ऊपर 80% को ऊपर एक ही व्यक्ति का वोट मिला हो, नहीं तो एपिक कार्ड फोटो उसके लिस्ट में नहीं हो, नहीं तो ऐसे कोई लोग हैं उनका पारिवारिक संबंध उसी गांव में नहीं है फिर भी वोटर बन गया, ये कुछ क्राइटेरिया होता है, उसी के बेस में क्रिटिकलिटी बनता है, तो फाइनली बनाने के बाद हम लोग फोर्स हिसाब से अप्लाई करते हैं ताकि वहां कोई संभावना ज्यादा हो जाता है किसी न किसी घटना होने की, वो क्रिटिकलिटी बनता है। इस समय में जो क्या है आप लोग करते हैं इसे नाम कहते हैं वल्नरेबिलिटी मैपिंग, यानी आप जो जाते हैं केवल भूत नहीं देखना, भूत संबंधित वहां का जो मजरा भी जरूर चाहिए, खासतौर पर अल्पसंख्यक वर्ग यदि वहां रहते हैं तो वहां जरूर जाके पूछ लीजिए क्या आप लोग वोट देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, पूछने में कोई कमजोर तो नहीं है। और दूसरा जो कहीं से मान लीजिए कहीं ऐसे जो जातिगत जो इक्वेशन ऐसे ही है, मान लीजिए कहीं अनुसूचित जाति जनजाति परिवार कम है और अन्य वर्ग का जो संख्या ज्यादा है, तो ये जो कमजोर वर्ग है वो अनुसूचित जाति वर्ग कमजोर हो ही जाते हैं, ताकि जो उनका संख्या के साथ ऐसे थोड़ा आप लोगों का अंदाज लगाना होता है, इससे जानकारी आपको लोकल लेवल में मिल जाता है, जो गांव वाले प्रधान जो भी दे देते हैं वो पुलिस अफसर साथी साथ आए वो भी बता देंगे, BLO लोग भी बता देंगे, इससे संकोच नहीं करना है, ये जरूर पूछ लीजिए कहाँ कहाँ जो खासतौर पर वल्नरेबल ग्रुप रहते हैं, किसी न किसी वजह कमजोर वर्ग कहाँ रहते हैं वहाँ जरूर जाके पूछना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, आप भी कर सकते हो, ताकि जो और विभाग से जो पूछताछ में इतने जो खुल के नहीं आता है, आप जाने से बहुत लोग खुल के बताते हैं, सब हम लोग तो कभी भी वोट देने के लिए नहीं जाते हैं, हम लोग को डर लगता है, वहां तो उसी घर का होते हुए जाना होता है, हम लोग जाने नहीं देते हैं, वो तो कुर्सी बाहर लगा करके बैठ जाता है, हम लोग नहीं जा पाते हैं, ये सारे चीज खुल के बताते हैं आप, बस थोड़ा दो मिनट आप गपचप मारोगे तो सारे खुल के आ जाते हैं, आप बस हमें बताना होगा उसी समय हम व्यवस्था कर लेंगे पूरा, किस किस को टोकना है रोकना है सारे चीज हम कर देंगे, बट ये एक काम आप ही कर सकते हो और कोई विभाग नहीं कर सकते, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण काम होता है वल्नरेबिलिटी मैपिंग।
उसी के हिसाब से हम लोग को कोर्ट डिप्लॉयमेंट होता है, उसी के हिसाब से प्रभावशाली का ऊपर हम लोग बाउंडरों करते हैं 107 धारा के अंदर, उसी के हिसाब से किसी दबंग व्यक्ति का जिला बदल करना है तो उनका डिक्लेयर करके जिला बदल करते हैं, उसी के हिसाब से सारे कार्रवाई हम लोग प्रारंभ करते हैं। बट ये फीडबैक आपके जरिए से हमें मिलना होगा, ये बहुत जरूरी है। दोस्तों पूर्वांचल इलाका में एक दिक्कत रही है, यहाँ वोटर परसेंटेज कभी भी उतना अच्छा नहीं रहा, हमेशा हम सेकेंड क्लास में रहे और कुछ जगह और खराब है। ये आंकड़ा भी आपको जो 26 तारीख को जाएंगे ये भी देंगे, कौन सी बूथ आप जा रहे हैं उसी बूथ में वोटर परसेंटेज पिछले लोकसभा चुनाव में कितने रहा है और विधानसभा चुनाव में कितने रहा, इसका आपका अंदाज हो जाता है। कुछ जगह हमेशा परंपरागत तौर से तो कम परसेंटेज पड़ता है, उसको कोई वजह हो सकता है, हो सकता है गांव में बहुत लोग तो विदेश में गए होंगे, हो सकता है कोई लोग दिल्ली पंजाब चले गए होंगे, हो सकता है उनका नाम नहीं जुड़ा हो, इसको कोई भी वजह हो, बट जरूर उसको देख लीजिए किसी वजह कम। एक तो कमजोरी हम लोग का वोटर परसेंटेज खराब है, हमेशा जो टर्नआउट है मुश्किल से 40 से 50 के बीच में ही जो ग्रामीण इलाके में रिपोर्ट हुआ है और शहरी इलाके में उससे खराब है। और दूसरा कमजोरी हम लोग का है जो महिला वोटर परसेंटेज बहुत खराब है, 20 से 30% के बीच में ही हम लोग का महिला वोटर का जो परसेंटेज अब तक टर्नआउट हुआ है, वो बहुत ही खराब माना जाता है। इसको तो कुछ ना कुछ वजह होगा, इस पर हो सकता है कि अगर शादी के बाद लड़कियां दूसरे जगह चले जाते हैं उनका नाम नहीं हो सकता है, वहाँ से उन लोगों का अवेयरनेस नहीं हो, मतलब जानकारी नहीं हो, उसको जागरूकता नहीं हो, उसी के लगता है वो गांव वाले इतने रुचि नहीं ले रहे हैं, नहीं तो वहाँ हमेशा वोटर टर्नआउट खराब है, उसको जरा पूछ लीजिए, कारण बताएंगे। हम लोगों के पास अच्छा खासा वक्त भी बचा है, 1.5 से 2 महीने वक्त है, इस स्वीप कार्यक्रम के जरिए से हम लोग उन लोगों को जागरूक करते हुए उन लोगों को वोटर परसेंटेज आराम से बढ़ा सकते हैं। उसमें भी हम लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, 25 तारीख से हम लोग स्वीप अभियान भी यहाँ जनपद में जारी है, हर बूथ में, हर तहसील में और जनपद लेवल पे हम लोग उसको प्रचार प्रसार कराएंगे, ताकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है हर नागरिक को करना चाहिए। तो आपको भी मैं याद दिलाता हूँ, आप लोग भी वोटर नहीं बनाए तो कृपया करके अभी भी बना सकते हो, फॉर्म 6 बना करके आप भेज दें, आप कहीं दूसरे जगह वोटर है तो उसको भी आप लोगों को सर्विस वोटर के जरिए से आप लोग फॉर्म यहाँ मिल जाएगा इलेक्शन ऑफिस से, जरूर वोट दे दीजिए, हम भी वोटर बनाओ सिविल लाइन से बना वोट, कहीं भी रहना है इसको मत भूलना है, वोटर बनना है, ताकि जो व्यक्ति हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनते हैं, यदि आप वोट नहीं देते उसको भी असर पड़ता है कैंडिडेट को, ताकि एक एक परसेंटेज मार्जिन में एक एक वोट में फर्क पड़ता है, कौन जीतेगा कौन हारेगा कौन सरकार बनाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।